इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमने दो मटेरियल को या दो ऑब्जेक्ट को हमने रब किया, जैसे सपोज करो नायलोन को और हमने रब किया प्लास्टिक के साथ, तो किस पे पॉजिटिव चार्ज गया और किस पे नेगेटिव चार्ज गया, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक हमारे पास, तो इसके लिए अब हमें या तो देखो लैब में जाना पड़ेगा, है ना, क्यों, तो लैब में क्या होता है, एक रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस में मतलब उनको, मतलब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज है या इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो लैब से उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं मैं उस पर जाऊँगा नहीं, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर की बात है। तो अब ये मान लेते हैं कि हम उस रेफरेंस से उसको हम चेक करते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो रेफरेंस में एक ये टेबल है, इसको बोलते हैं, नाम दिया है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, तो गूगल पर सर्च करेंगे आपको इजीली ये मिल जाएगी। सही है, तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, यहाँ ट्राइबो का मतलब होता है रब, रब का मतलब है फ्रिक्शन, तो आपने रब से जो, रब करने से जो इलेक्ट्रिक जनरेट हुई है ना, तो उसकी एक सीरीज बनाई है, तो उस सीरीज में आप उसको देखेंगे तो जो एयर है ये मोस्ट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बीच में दिखाया है सेंटर में कि यहाँ पर ये जो चार्ज है वो बहुत कम है इनका, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो उनका जो पॉजिटिव चार्ज, रब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नीचे की तरफ जो है उन पे मोस्टली नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर मैं कोई दो मटेरियल लेता हूँ, एक सपोज़ करो सेलोफोन टेप लेता हूँ और दूसरा इधर नायलोन, दोनों को अगर मैं रब करता हूँ तो नायलोन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और जो सेलोफोन टेप है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑलराइट, अब मैंने जो यहाँ पर लिया था, तो मैंने एक तो नायलोन लिया था, नायलोन का क्लॉथ था और पीस ऑफ पेपर भी थे, ठीक है, साथ में हमने रबर बैलून, हाँ जो बैलून है वो, ये भी इसमें है, हार्ड रबर है और गोल्ड पोलिस्टर, पोलिस्टर नहीं था, पोलिस्टर नहीं था, हाँ एक हमने एक्रेलिक लिया था और पोलीथाइलिन, ये है पोलिथिन क्या, ठीक, तो प्लास्टिक है वो पोलिस्टर है, ठीक है, तो प्लास्टिक को हम पोलिस्टर बोल सकते हैं। तो ये जो मटेरियल हैं, तो जो एक्रेलाइक है ये बेसिकली जो ग्लू स्टिक थी वो एक्रेलिक है, जो पहले लेक्चर L1 में हमने डिस्कस किया था। जो पोलिथिन है, यहाँ पर पोलीथाइलिन है, तो ये पोलिथिन है बेसिकली, तो जो पोलिथिन है जो उसकी शीट थी वो ये है, और जो पोलिस्टर है ये प्लास्टिक है, और जो पेपर है वो जो पीस ऑफ पेपर थे वो पेपर हो गया, और जो नायलॉन है जो क्लोथ था वो नायलॉन का था। तो नायलॉन को जब मैं रब करूँगा पोलिस्टर के साथ, या नायलॉन को मैं रब करूँ एक्रेलिक के साथ, है ना, तो अगर मैं नायलॉन को पोलिस्टर के साथ रब करूं, या नायलॉन को मैं एक्रेलिक के साथ रब करूं, या नायलॉन को मैं पोलीथाइलिन के साथ रब करूं, तो नायलॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो बाकी के हैं, चाहे प्लास्टिक है, चाहे आपके पोलीथिन है, चाहे आपका यहाँ पर ओरियन या एक्रेलिक, उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब आप उसको पेपर के आसपास लाओगे तो ड्यू टू इंडक्शन, अब इंडक्शन क्या है इसको समझेंगे, जो इंड्यूस होती है ये इसको समझेंगे, ठीक है, तो इसको ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब ज़रूरी नहीं कि नाइलॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आए, ठीक है, ये तो जो इस टेबल के अकॉर्डिंग, अब इस टेबल को आप यूज़ करना समझें, तो अगर नाइलॉन को आप पोलिस्टर के साथ कर रहे हो तो नाइलॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पोलिस्टर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब सपोज़ करो इसी टेबल में अगर आप नाइलॉन को स्किन के साथ, ड्राई स्किन के साथ अगर आप इसको रब करो, ठीक है, स्किन के साथ अगर रब करो तो नायलोन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और स्किन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, अब तक तो नायलोन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था जब इसको इससे नीचे वाले से रब करते थे। तो कहने का मतलब ये है, आप ग्लास को रब करेंगे, सपोज करो ग्लास को नायलोन से रब करोगे तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नायलोन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें जो जितने मटेरियल दिए हैं, अगर आप उससे नीचे वाले को, जैसे वूल के नीचे वाले से आप किसी से भी रब करो तो वूल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बाकी पे जो उससे नीचे वाले के साथ रब किया तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। तो रेफरेंस में हम इसको लेके चलेंगे, और ये जो टेबल है ट्राइबो इलेक्ट्रिक जो सीरीज, जो ये टेबल है ये लेबोरेटरी प्रूफ है ना, प्रूवन है। ऑलराइट, तो
अब इस टेबल से आप उसको रेफरेंस मान के चल सकते हो। अब रेफरेंस कैसे, अब जैसे कि 1 kg का वेट है ना, तो 1 kg की डेफिनेशन जो है वो आप समझते हैं, तो 1 kg कहाँ रखा हुआ है वो भी आपको पता होगा कि 1 kg का जो बेसिकली है वो एक मेटल का पीस है, वो एक लैब में रखा हुआ है, और उसी से ही तो वो प्राइमरी रेफरेंस है, उससे सेकेंडरी रेफरेंस बने, और जो हम 1 kg जो हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब वहाँ से ही आए, ठीक है, वो सब सेकेंडरी रेफरेंस है। तो ऐसे ही ये रेफरेंस हैं, तो इनको टेस्ट किया गया है कि कैसे इनको जब इस तरह एयर को स्किन के साथ, पेपर को स्किन के साथ, कॉटन को जब इस तरह चार्ज करते हैं, मतलब रब करते हैं, तो ट्राइबो का मतलब है रब करना, तो रब करने से किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो ये टेबल वैसे ही बनाई गई है। तो इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे समझना है, जैसे कैट फर को अगर आप है ना नायलॉन के साथ रब करोगे तो नायलॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कैट के जो फर हैं उन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे ही अगर कैट फर को आप अंबर के साथ है ना, या रबर बलून के साथ, या अपने हेयर को आप रबर बलून के साथ है ना उसको आप रब करोगे तो रबर बलून पे नेगेटिव आएगा और कैट फर पे यहाँ पर, या हमारे जो हेयर हैं है ना उस पे, ह्यूमन हेयर यहाँ पर है तो ह्यूमन हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो समझ में आया इसको कैसे यूज़ करना है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो भी मेटेरियल दिए हैं उससे नीचे अगर जाओगे, उससे नीचे वाले से रब करोगे तो ऊपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लियर है। अब पेपर को इसने कैसे अट्रैक्ट किया, इसको जो इंड्यूस, इसको समझेंगे कि चार्ज किस तरह से हम कर सकते हैं। तो अभी इसको यहाँ पर रहने देते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम इस सीरीज यानी इस टेबल के रेफरेंस मान के हम उसको समझ सकते हैं किस पे पॉजिटिव चार्ज आया किस पे नेगेटिव चार्ज आया। तो एटम के प्रोस्पेक्टिव से मैंने उसको बता ही दिया है कि अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहे हैं किसी, जैसे कि यहाँ पर हमने जो प्रैक्टिकल किया, तो जब नायलॉन पे जो है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, तो नायलॉन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और किस पे आए, पोलिस्टर पे, तो जब हमने कॉम के साथ है ना प्लास्टिक कॉम को हमने नायलॉन से उसको रब किया तो नायलॉन पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है नायलॉन से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे गए, जो हमारा प्लास्टिक का कॉम था है ना उस पर चार्ज चले, उस पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो उस पर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर आया पॉजिटिव चार्ज। तो यही है यहाँ पर इस टेबल का, ठीक। तो ऐसे ही अब मैं एक दूसरा एक एटम बनाता हूँ, तो सपोज करो पेन बदलना पड़ेगा, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक, और इसके सराउंड में है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सेंटर में जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर पहले से ही एक, तो एक और बना देते हैं और एक और बना देते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे सराउंड में। तो ये पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी 6 होंगे, ठीक है, तभी तो न्यूट्रल है। अब सपोज करो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के, ठीक है, मैंने इसको रब किया, इन दोनों को रब किया, तो सपोज करो ये नाइलॉन है ना, सपोज करो नाइलॉन का एटम नहीं है ये, ठीक है ना, बस सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ, तो सपोज करो ये नाइलॉन है और ये जो है ये प्लास्टिक है, तो अगर मैं इन दोनों को रब करूँगा तो रब करने से जो हीट जनरेट होगी उससे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकला और वो चला गया इसके पास, वो यहाँ पर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबके एक से हैं, ठीक है ना, बस जो चेंज है वो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ जो पार्टिकल हैं वो कितने हैं और सराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बस वो डिफरेंस है, वो डिफरेंशिएट करता है एक एटम को दूसरे एटम से, बाकी जो इलेक्ट्रॉन हैं सबके एक से हैं, प्रोटॉन हैं वो भी सभी के एक से हैं, किसी भी मटेरियल का ले लो, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चल गया इधर, तो इस पे आया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से चला गया, तो इस पे क्या आया, बचा यहाँ पर 4 प्रोटॉन है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा आया इसमें, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आया, सही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब है बेसिकली जो वो यूनिट है, ठीक है, तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको यूनिट नाम दे देता हूँ यहाँ पर, -1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, तो इन दोनों को रब किया, तो ऐसे ही एक मैटर में मिलियंस ऑफ एटम होते हैं, ठीक है, मिलियन बिलियन ऑफ एटम है, तो जो भी उसके जो सरफेस पे जिसको रब कर रहे हैं, तो वो सरफेस पे मिलियन बिलियन हमारे एटम हैं, और उनको रब किया, उनको हीट मिली होगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से जाके इधर आ गए, ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरे उस पर उतना ही यहाँ पर चार्ज आता जाएगा। तो मैंने एक का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे बहुत सारे एटम हैं, वो भी रब हुए, उनको भी एनर्जी मिली, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे उस पर मैटर के एटम पे आ गया, ठीक है ना। तो जो ओवरऑल जो चार्ज है, सही है, तो ऐसे ही सपोज करो 10 एटम है, ठीक है ना, 10 एटम है, और ऐसे ही यहाँ पर भी 10 एटम है इस मटेरियल के भी, ठीक है, और वो सारे के सारे रब हुए, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल के गए, तो टोटल जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया 10 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन जो इधर से निकल के इधर गए हैं, तो इस पे 10 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो इस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैसे चार्ज हैं, इस तरह इसको हम समझ सकते हैं। तो ये एटॉमिक लेवल पे है, फिर एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, जो भी हमारा एटम है उसकी टेंडेंसी ये होती है, अगर सपोज करो उससे इलेक्ट्रॉन निकल के गया, पर उसकी टेंडेंसी होती है कि वापस वो अपने को न्यूट्रल करें, है ना, तो यही है कि वो जो टेंडेंसी है कि वो अपने को, जो कोई भी एटम है वो अपने को क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना चाहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने का मतलब है जितने नंबर ऑफ उसके नॉर्मली, जितने नंबर ऑफ उसके प्रोटॉन हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, वो इक्वल रहें, तो इक्वल रहेगा तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा, ठीक। तो उसकी टेंडेंसी होती है ये, तो इस टेंडेंसी से कुछ निकल के आते हैं, जैसे कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, सही है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो एटम मूव नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव होते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो है वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सही है। ऐसे ही अगर नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव बॉडी है, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें क्या है, लाइक चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ठीक। तो जो लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और जो अपोजिट चार्ज हैं, सही है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, अट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो ये एटम है ये अपने को क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना चाहता है, तो इसलिए ये इसको अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब भी ये इसके पास आएगा, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएगा, तो पॉजिटिव माइनस जब भी ये आएंगे, तो यानी इलेक्ट्रॉन जब भी यहाँ से आके इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब है वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, तो जो एनर्जी उसको दी थी उस एनर्जी से वो दूसरे एटम पे चला गया, वापस जब वो आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या जब भी एनर्जी उसकी लूज़ होगी, ठीक है, तो वो जब भी आएगा तो एनर्जी लूज़ करेगा और उस ऑर्बिट के इक्वल अपनी एनर्जी करेगा, और फिर वापस उस ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डीपर चीज़ है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, बस इसको समझ लो कि अगर उसको एनर्जी देते हैं तो छोड़ के चला जाता है, और जब फिर उसको अट्रैक्ट जो, तो अट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, जब इन दोनों को, ये पॉजिटिव बॉडी हो गई, ये नेगेटिव बॉडी हो गई, पर जब इन दोनों को आप पास पास लाओगे, तो दूसरे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो अट्रैक्शन काम करने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि वो उसके साथ भी, एटम के साथ अट्रैक्ट है, तो वो उसको भी पुल करेगा, तो कहने का मतलब है उस पूरी बॉडी को पुल नहीं, पुश करेगा, बेसिकली अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको एक्सपीरियंस होगा कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, और जैसे ही वो टच करेगा, और ये क्या होगा, ये अपने को चार्ज न्यूट्रल कर लेगा, ठीक है। तो एटम मूवेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सही है। तो हम ये पर एक तरह से मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है और नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब चलिए, ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसको अब छोड़ते हैं, इसमें अब आगे डिस्कस करेंगे हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, ये अगर इसमें आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करें, अदरवाइज़ लाइक तो कर ही लें, और अगर अदरवाइज़ कमेंट करें कि उसमें आपको क्या दिक्कत है, अगर अच्छा है तो उसको भी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।